नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मौसम और एमए मोटो ब्लॉग्स की एक नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि इस एग्जिट में, इस टियागो एग्जिट में हम कुछ छोटा मोटा एक्सेसरीज इंस्टॉल किए हैं। जैसे कि आप देख चुके थे कि 15 तारीख को मेरा गाड़ी का डिलीवरी हुआ था, और जैसे कि ये एक एग्जिट वेरियंट है, और एग्जिट, एग्जिट प्लस, ये सब वेरियंट्स में तो लगभग सभी फीचर्स आते हैं और एक्सेसरीज बाहर से इंस्टॉल करवाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। पर कुछ छोटा मोटा चीज़ें होते हैं जो कि हमें लगवाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कुछ बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर, रेन वाइजर, ऐसा कुछ और भी छोटा मोटा थोड़ा काम था, मैंने वो सब करवा लिए हैं। तो आप लोगों को आज वही दिखाएंगे कि हमने इस गाड़ी में क्या क्या एक्सेसरीज इंस्टॉल करवाए हैं और उसका प्राइस कितना आया है, और यही सब हम आपको बताएंगे। और इसको लेकर अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तो देखते रहिए वीडियो आखिर तक, और बताना मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा काम बाहर से ही करवाए हैं, पर दो एक्सेसरीज हैं जो मैं कंपनी फिटेड ही ले लिया था। जैसे कि ये जो है बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर, ये बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर आपको छोटा मोटा स्क्रैचेस से, मतलब जब नैरो लेन में आप कोई टर्न वगैरह लेते हो तो अगर कोई छोटा मोटा चीज़ें, सामान या फिर दीवार या फिर साइकिल, बाईसाइकिल, रिक्शों में अगर घिस भी जाए तो स्क्रैच को थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करता है। और ये प्रोडक्ट मैंने शोरूम से ही लिया इसलिए कि ये दिखने में ना बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर लगता है। और ये प्रोडक्ट बाहर मुझे ऐसा तो नहीं मिल रहा था। इसका प्राइस शोरूम में मेरे साथ लिया गया था 1600 रुपीज़, जो कि थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि बाहर में तो बम्पर कॉर्नर प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम रहता है। फिर भी ये जो प्रोडक्ट है ये, इसका क्वालिटी भी अच्छा है। तो इसका जो चार सेट है ये इधर यहाँ पर और यहाँ पर, ये चारों बम्पर को प्रोटेक्ट करता है। तो इसका पूरा सेट का प्राइस आया था मुझे 1600 रुपीज़, और जिसको मैं शोरूम से ही लगवाया था। और दोस्तों, दूसरा प्रोडक्ट जो मैं शोरूम से लिया था वो था ये, इसको साइड वेटिंग भी कहता है और डोर प्रोटेक्टर भी बोलता है, साइड क्लैडिंग भी बोलता है। तो ये प्रोडक्ट भी मैंने शोरूम से ही लगवाया था। इसका प्राइस मुझे आया था 2600 रुपीज़। ये भी शोरूम से लेने का मुझे यही मतलब वजह थी कि इसका जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, इसका लुक्स भी बहुत शानदार है, और मतलब बहुत ही स्टाडी प्रोडक्ट है और वारंटी भी मिलता है। ऐसा भी बेहतर लुक्स वाला डोर क्लैडिंग या साइड क्लैडिंग मुझे बाहर नहीं मिल रहा था, इसलिए इस प्रोडक्ट को भी मैंने शोरूम से ही परचेस किया। और दोस्तों, ये जो मार्ट फ्लैप्स है, यहाँ पर जो मार्ट फ्लैप आपको दिख रहा है ना, ये मार्ट फ्लैप ये चारों व्हील्स में रहता है, इधर भी है, यहाँ पर, ये मतलब चारों पहियों में रहता है। ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट शोरूम से दिया गया था एज अ फ्री एक्सेसरीज, और शोरूम से मुझे और भी एक फ्री एक्सेसरीज ऑफर किया गया था जो कि था फ्लोर मैट्स। तो फ्लोर मैट्स तो मैं सोचा था कि बाहर से ही लगवाऊंगा, इसलिए वो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। उसके वजह मैं वो, उसका जो प्राइस था मतलब 800 रुपीज़, वो मैं शोरूम से जो दो एक्सेसरीज खरीदा, ये बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर और ये साइड क्लैडिंग, ये दोनों मिला के मुझे हुआ था 4200 रुपीज़, और ये 800 रुपीज़ मैं ये 4200 से माइनस करके पेमेंट किया। चलिए अब देख लेते हैं कि बाहर से हमने जो एक्सेसरीज लगवाए हैं गाड़ी में टियागो में, तो वो क्या क्या है। तो पहला चीज़ जो हमने लगवाया है बाहर से वो है ये रेन वाइजर विथ क्रोम लाइनिंग। ये प्रोडक्ट बहुत ही हेल्पफुल होता है। यू नो गाइस, जब बरसात के मौसम में हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तब क्या होता है कि अगर सभी सारे शीशे ऊपर रहता है, बंद रहता है, तो अंदर फॉग हो जाता है और बाहर दिखने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। ये रेन वाइजर रहने से क्या होता है कि अगर आप बरसात के मौसम में भी आपका गाड़ी का जो शीशा है वो 1 इंच तक आप खुल के रख सकते हो, चारों जो शीशे हैं सबको 1 इंच तक खुल के रख सकते हो। उसमें क्या होता है कि अंदर जो फॉगिंग का जो प्रॉब्लम है ना वो बिल्कुल भी नहीं आता है, और अंदर पानी आने का डर भी नहीं रहता है। ये भी एक अच्छा फैसिलिटीज है ये प्रोडक्ट का। आप अगर कोई भी गाड़ी खरीद रहे हो ना तो ये प्रोडक्ट ज़रूर लगवा लो। शोरूम में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, मैंने ये प्रोडक्ट बाहर से लगवाया और दोस्तों इसका प्राइस मुझे आया 960 रुपीज़ फ्रॉम आउटसाइड एक्सेसरीज शॉप।
और दोस्तों इसके साथ मैंने ये जो क्रोम लाइनिंग है, विंडो क्रोम लाइनिंग या फिर विंडो क्रोम बिडिंग, आप कुछ भी कह सकते हो, ये भी मैंने बाहर से ही लगवाया। इसका प्राइस मुझे आया 800 रुपीज़। ये चारों डोर्स में ही रहता है। इसका तो कोई मतलब काम तो वैसे कुछ नहीं है, पर क्या होता है कि ये गाड़ी का लुक्स को बहुत मतलब इंक्रीज़ कर देता है, बहुत बड़ा देता है। और जैसे कि ये ब्लू कलर है ना, इसमें ये क्रोम लाइनिंग बहुत ही बढ़िया लग रहा है, क्योंकि क्रोम लाइनिंग यहाँ पर है, यहाँ पर है, और नीचे यहाँ पर भी है। मतलब क्या है कि ये बहुत हेवी तो नहीं लग रहा है, मतलब एकदम ओवर क्रोम तो ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है, इसका लुक्स बहुत बढ़ गया है। दोस्तों चलिए आप देख लेते हैं गाड़ी का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ है। सबसे जो इम्पोर्टेंट काम था वो था फ्लोर लैमिनेशन का। वो फ्लोर लैमिनेशन भी मैंने बाहर से ही करवाया था। ये आप देख पा रहे होंगे कि फ्लोर का जो लैमिनेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आप कोई भी गाड़ी ले रहे हो ना, तो ये काम करवाना मत भूलो, ये ज़रूर करवाना। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर गाड़ी में कोई भी पानी और कुछ भी अगर अंदर गिरे ना, तो ये अंदर का जो मतलब जो फ्लोर होता है उसके ऊपर जो एक मतलब एक मटेरियल का होता है ना, कपड़ा कपड़ा जैसा ऐसा कुछ, तो उस पर डायरेक्ट नहीं गिरता है। इसमें क्या होता है, रस्टिंग का जो प्रॉब्लम्स है वो स्टॉप कर देता है। तो इस फ्लोर लैमिनेशन के लिए मुझे पे करना पड़ा था 1700 रुपीज़ इंक्लूडिंग लेबर चार्जेस। इसका क्वालिटी तो ठीक ही है, ये उनके पास यही जो हाईएस्ट क्वालिटी था ये वही था। एक बार पीछे से भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ये जो है ना क्वालिटी, पता नहीं आप ठीक से देख पा रहे हो या नहीं, ये पूरा मतलब गाड़ी के पूरा का जो पूरा फ्लोर है उसमें पूरा एकदम सिलवा के बना देता है इधर। दोस्तों और भी एक काम हुआ है अंदर के तरफ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो है कि ये फ्लोर मैट्स, मैंने पहले बोला ना आपको कि शोरूम से ऑफ़र किया गया था फ्लोर मैट्स। इसका क्वालिटी मुझे उतना बढ़िया तो नहीं लगा, और मेरा पहले से ही प्लान था कि मैं कुछ अच्छा ही लगाऊंगा अगर अंदर। ये जो हमने लगवाया था ना, ये ग्रास मैट जैसा कुछ है, ये तो प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है। और एक चीज़ इसमें होता है कि मुझे ऑप्शंस तो बहुत सारे मिल रहे थे, जैसे कि आपको वो जो जेल जैसा होता है, रबर जैसा होता है, इसमें दिक्कत क्या होता है ना, अगर आपके शूज़ में तो धूल मिट्टी रहेगा ही, स्पेशली इन मानसून सीजन्स, तो क्या होता है कि उसमें वो चिपक जाता है, जितना भी धो जितना भी उसको झाड़ो मतलब जाता ही नहीं है। पर ये जो प्रोडक्ट है, ये बाहर से आपको देख के पता नहीं चलेगा इसमें कितना धूल मिट्टी है और मतलब क्या है। और भी इसमें एक बेनिफिट है, वो है कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हो ना, तो क्या होता है कि ये आप जितना देर चाहो मतलब अपने शू उतर के बैठ सकते हो, पैर में बहुत कंफर्ट मिलता है इसमें। पीछे में भी ऐसा ही है, देखिए ये पीछे में भी ऐसा ही है। ये बहुत ही मतलब अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको फ्लोर मैट्स लगवाना है तो यही लगाओ दोस्तों, ये बहुत ही कंफर्टेबल भी होता है और मतलब साफ करने भी बहुत इजी होता है। तो इसके लिए, इस प्रोडक्ट के लिए, ये फ्लोर मैट के लिए मुझे पे करना पड़ा 1450 रुपीज़। 1450 रुपीज़ में मुझे इसका 5 सेट मिला है, मतलब एक उधर ड्राइवर साइड में, को ड्राइवर साइड में, इधर पैसेंजर सीट्स में, इधर एक, इधर एक, और ये बीच का एक पार्ट होता है। ये सब मिला के 5 पीस में आता है ये। इसका प्राइस मुझे पड़ा 1450 रुपीज़। अगला जो काम करवाया है हमने वो है कि ये स्कर्ब प्लेट, ये नॉन इलेक्ट्रिकल है, मतलब यहाँ पर कोई इल्यूमिनेशन वगैरह कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल लेने से मतलब ये इल्यूमिनेटिंग वाला लेने से क्या दिक्कत होता है कि ये कुछ बार धोने के बाद ही ना, इसका मतलब जो इल्यूमिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा वो बंद हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है प्रोडक्ट, और दिखने में भी बहुत बुरा लगता है कि दो इधर जल रहा है, एक उधर जल रहा है, एक इधर नहीं जल रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उससे यही बेहतर होगा, और ये अब आपका काम भी बहुत अच्छे से करता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका बार बार मतलब अंदर बाहर करने से ना, यहाँ का जो कलर्स है वो ख़राब हो जाता है। ये क्या करता है इसका प्लेट, ये कलर को ख़राब होने से रुकता है, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट भी बहुत मतलब अच्छा प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी है। ये भी 4 डोर्स में ही आता है, इधर एक, ये
ये ड्राइवर साइड में भी है, देख सकते हैं टियागो लिखा हुआ आता है ये। और ये को ड्राइवर साइड में भी आता है फॉर टियागो लिखा हुआ है। तो प्रोडक्ट ये अच्छा प्रोडक्ट है, रोबस्ट प्रोडक्ट है, हार्डी प्रोडक्ट है, और इसके लिए मुझे पे करना पड़ा 700 रुपीज़। मतलब ये सेट ऑफ 4 पीसेस का आता है। और जो नेक्स्ट सामान हमने लगवाया है, नेक्स्ट जो एक्सेसरीज हमने लगवाया है वो है कि ये डोर प्रोटेक्टर। ये तो बहुत कम का चीज़ मुझे नहीं लगा, फिर भी अगर आपको कहीं पार्किंग में खड़े और दरवाज़ा खोलना पड़े तो अगर आपका दरवाज़ा कहीं हीट करता है ना तो पहले ये वाला प्लेस जाके उधर हीट करेगा, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तो ये भी 4 सेट में आता है, इधर भी है और यहाँ पर भी है और ये ड्राइवर साइड में भी है। ये जो आता है ये 4 का एक सेट होता है, 4 पीस का एक सेट होता है, और उसका प्राइस मुझसे लिया गया था 250 रुपीज़। एंड नेक्स्ट एक्सेसरीज आई इंस्टॉल्ड इज दैट इज दिस वन इज द स्टिकर, पेट्रोल स्टिकर। इट्स वेरी हेल्पफुल, क्योंकि बहुत सारे टाइम क्या होता है कि हम जब फ्यूल स्टेशन में हम खड़े होते हैं तो हम बताना भूल जाते हैं, और जो पेट्रोल पंप का जो बंदा है ना वो अपने सोच में डाल देता है, तो पता नहीं कभी गलत डाल दे, डीजल वीजल डाल दे, इसलिए हम पेट्रोल स्टिकर भी लगवा दिया है। ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसका प्राइस मुझे आया था 130 रुपीज़। काम और अंदर छोटा मोटा कुछ काम हमने करवाया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स तो नहीं है, आप नहीं भी लगवा सकते हो कोई बात नहीं। ये जो बुद्धिस्ट फ्लैग होता है इसको मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि राइड वगैरह तो करता हूँ, बाइक में भी रहता है, तो सोचा कि मेरा कार में क्यों नहीं रहेगा, तो ये लगा लिया। इसका प्राइस मुझसे लिया गया 80 रुपीज़, शायद भूल गया, 80 रुपीज़ ही होगा। और अंदर के तरफ हमने ये वाला एक खरीद लिया, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर जो स्पेस दिया गया है ना, यहाँ पर तो एक मोबाइल आप रख सकते हो, एक मोबाइल तो आप आराम से रख सकते हो इधर, कोई बात नहीं, बहुत स्पेस है, बहुत स्पेस है, ठीक है। पर क्या होता है कि अगर आपके पास 2 मोबाइल फ़ोन हो, ठीक है, या फिर को ड्राइवर साइड में अगर कोई हो तो उसका भी मोबाइल हो सकता है, वो पॉकेट में रख के मतलब गाड़ी में बैठना थोड़ा अनकंफर्टेबल तो हो ही जाता है, तो उनके लिए मतलब हमने ये एक जेल पैड जैसा ले लिया। इसका काम यह है कि जब तक ये इधर रहेगा ना ये हिलजुल सकता है, पर इसमें थोड़ा वेट पड़ जाएगा तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलता है, ऐसा कुछ है, बिल्कुल भी नहीं हिलता है, देख सकते हो। ये प्रोडक्ट अच्छा है, मतलब एक ले लेना चाहिए गाड़ी के लिए। तो इसका प्राइस मुझसे लिया गया 170 रुपीज़। और दोस्तों अंदर की तरफ ये भोले शंकर का स्टैचू हम ले लिया, ये आदि जोगी का स्टैचू है, ये मैंने तो ऑनलाइन ही ले लिया, नहीं तो कोई चारा भी नहीं था, ये बाहर मिल नहीं रहा था। ये बहुत ही प्रोडक्ट अच्छा है, और मैं तो इतना एक्साइटेड था कि मेरा गाड़ी बुकिंग करने के बाद ही मैं इसको ऑर्डर कर दिया था, ये और इसके साथ जो रुद्राक्ष आता है ये दोनों मिला के। तो रुद्राक्ष का जो प्राइस मुझे आया है वो है 300 रुपीज़, एंड द प्राइस ऑफ द आइडल इज 250 रुपीज़, एंड 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर शिपिंग चार्जेस। दैट मीन्स 300 + 250 = 550, 100 शिपिंग, 650 इन टोटल फॉर दिस सेट। ओके, एंड वन मोर थिंग, जो अंदर परफ्यूम यूज़ करते हैं ना, मैं केमिकल जैसा कुछ जो परफ्यूम्स बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स का होता है, मैंने एक्चुअली वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक यहाँ से ही, मतलब ये जिस साइड से हम लाए थे ईसा लाइफ से, वहाँ से ही एक प्रोडक्ट्स खरीदा हूँ, वो है ये, मतलब कार सेंटेड सैसे, ये सैंडलवुड का है, इसमें कोई केमिकल नहीं रहता है, ये बिल्कुल एकदम हर्बल प्रोडक्ट है, अच्छा है, और गाड़ी को अच्छे से ही, मतलब अभी तक तो अच्छे से ही खुशबू दे रहा है और एयर फ्रेश रहता है, कि एक सैंडल जैसा फील होता है। तो ये प्रोडक्ट भी आप ले सकते हो, अगर आप ये सब चीज़ें ऑर्डर कर रहे हो ना ईसा लाइफ से, तो उसके साथ ये भी एक दो करके रख सकते हो। इसका बहुत सारे एजेंस आता है, और है भी ये 100 रुपया, एक सैसे 100 रुपया का है, और बहुत सारे एसेंस का मिलता है, मतलब सैंडलवुड का मिलता है, कस्तूरी का मिलता है, रोज़ मिलता है, और मोगरा मिलता है, बहुत सारे कुछ है, तो आप अपने चॉइस जैसा है वैसा। तो गाइज आज के लिए इतना तक, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और अगर पहली बार इस चैनल में आए हो तो एक सब्सक्राइब भी कर देना यार, वो बहुत सपोर्ट करता है। तो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।